पीतमपुर में पटेल मोहल्ला कॉलोनी के समीप प्राचीन हनुमान मंदिर में हिंदू जागरण मंच और केसरी नंदन व्यायामशाला द्वारा वृहद पौधारोपण किया गया। यहां पर कई प्रकार के फलदार पौधे लगाए गए। दरअसल यहां के स्थानीय लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने की सूचना के बाद तय किया कि इस स्थान पर विशाल हनुमान मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वहाँ उपस्थित बलराम वर्मा ने बताया कि यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना मंदिर था, जिसके साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह मंदिर पीतमपुर के सबसे पुराने मंदिर में से एक है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री केसरी नंदन व्यायामशाला के आयोजक कमल सिंह पवार, सहकर्मी रमेश जी तिवारी, अर्जुन धाकड़ सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे। पीतमपुर से हरिकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता है, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि ये जो अधर में लटका हुआ एक हनुमान मंदिर है, बहुत ही पीतमपुर में प्राचीन 12.5 हनुमान की मूर्तियां बताई जाती हैं। जो यहाँ के बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं वो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे पीतमपुर में 12.5 हनुमान जी है, उसमें ये भी प्राचीन मंदिर आता है। इस मंदिर को इसको जो तालाब है इसको केसरिया तालाब बताया गया है। तो यहाँ पर अभी आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। कुछ फलदार पौधे हैं, कुछ औषधि युक्त पौधे हैं, ऐसे पौधों का यहाँ पर रोपण किया गया है। और सभी युवा लोग ने बीड़ा उठाया है कि आने वाले समय में इस मंदिर को एक विशाल मंदिर का रूप दिया जाएगा, और हनुमान जी की प्रबल इच्छा रही तो ये एक बहुत ही विशाल और पर्यटक स्थल बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हम सभी लोगों का एक अच्छी प्रेरणा लेके, एक अच्छी भावना लेके वृक्षारोपण से शुरुआत की है कि सभी दूर हरियाली रहे। वैसे हनुमान जी के मंदिर के ऊपर जो अभी थोड़ा सुनसान है, तो हरियाली ऐसी यहाँ पौधारोपण करके ये विचार है कि यहाँ पे भी हरियाली हो जाए, लोगों का आना जाना सबका हो, सभी हनुमान जी की कृपा पाएँ। और ये लेके श्री कृष्णन व्यायामशाला और हिंदू जागरण मंच की तरफ से हमने एक वृक्षारोपण अभियान चलाया है, जो सभी जितने भी यहाँ पे पीतमपुर से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्रों में, पीतमपुर सागर सभी दूर, यहाँ पर अभी लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करने की हमारी एक भावना है। और उसी के अभियान के तहत हम सभी लोग अभी यहाँ पे फलदार औषधि पौधे हैं जो भी हैं, तो उनका वृक्षारोपण कराया। और हमारे बीच में सब अर्जुन जी, धाकड़ जी, रमेश जी, तिवारी जी, रंजन भैया, सुनील भैया, जितेंद्र भैया, सोनू जी, दीपक भैया, पार्षद जी, सभी पूरी टीम हमारी इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है, और मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाए ये हमारी इच्छा है। ये से भी करें और पीतमपुर के सारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं और जितने मंदिर हैं वहाँ पे सभी लोग वृक्षारोपण करेंगे, साफ सफाई, स्वच्छता और सभी लोग सभी जी। ये यहाँ पे हिंदू जागरण मंच और केसरी नंदन व्यायामशाला द्वारा यहाँ पे ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ पर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। तो जैसे कि राम मंदिर का हो रहा है, तो हम लोगों के अंदर भी एक उत्साह जगा कि यहाँ पे ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। करीब यहाँ पे यहाँ के जो पाषाण आप देखें तो करीब 200 साल पुराने पत्थर हैं, तो उसको देख करके हमारे मन में भी एक हिंदुओं के टीम के अंदर ये भावना जागृत हुई कि अपन भी यहाँ पे एक हनुमान जी के मंदिर की अच्छी स्थापना की जाए। तो उसको लेके सब लोगों ने मीटिंग करी और हमने पौधारोपण से इसकी शुरुआत की है, और आगे हनुमान जी की इच्छा, हम लोगों की इच्छा है कि हम बहुत अच्छा करें, हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम एक विशाल मंदिर का निर्माण करें, और सभी लोगों का जन सहयोग मिलेगा ही सही, उस हिसाब से हम मंदिर का निर्माण